हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। सिंगू बॉर्डर पर निहंगों का कहर जारी है। लखबीर को काटकर लटकाने वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और मामला सामने आ गया है। दरअसल गुरुवार को दोपहर 1 बजे एक निहंग ने एक युवक को पीट पीट कर उसकी टांग तोड़ दी। अब तक मेरी जानकारी के अनुसार जिस शख्स की टांग तोड़ी गई है उसका नाम मनोज पासवान है। मनोज का कसूर इतना बताया जा रहा है कि उसने मुफ्त में निहंग को मुर्गा नहीं दिया। इसी बात से भड़ककर निहंग ने मनोज की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि निहंग ने उस व्यक्ति पर फरसे से भी वार किया। फिलहाल मनोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में नवीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल पर निहंगों द्वारा लखबीर नामक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस बैरिकेड्स के साथ लखबीर का शव लटका मिला था, उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। यह घटनाक्रम जहां हुआ वहां पर किसान करीब पिछले 1 साल से 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी सरबजीत से पूछताछ के बाद उसके खून से सने कपड़े और वारदात में उपयोग की गई तलवार को भी बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह दलित के कपड़े और तलवार को भी जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि पुलिस अभी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।